सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। उदास रहने की अनगिनत वजहों के बीच खुश रहने की एक वजह ढूंढना ही जिंदगी है। जिंदगी माँ जैसी होनी चाहिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरे के पास कैसी है, सबको बस यही लगता है कि मेरे पास सबसे अच्छी है। जिंदगी की परिभाषा में प्रथम आना जरूरी नहीं है, जरूरी है तो खुश रहना और दूसरों की खुशी में उनका साथ देना। आज का पंचांग 13 जून 2024 दिन गुरुवार, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रात्रि 9:33 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र सुबह 5:08 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:07 से 3:48 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:00 से 12:53 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगे। मीन राशि 13 जून 2024 दिन गुरुवार, आप इस समय खुद को व्यापार या कानूनी चिंताओं से घिरा हुआ पा सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण लोगों से मिले और उनके ज्ञान व अनुभव का फायदा उठाएं। जिन बैठकों में आप अभी लाभ लेंगे वो आपको शांति प्रदान करेगी। महीने के यह दिन परिवर्तन की तरफ इशारा कर रहे हैं। आपके सभी कार्य वैसे ही पूरे होंगे जैसे आप चाहते हैं। आपकी सफलता में आपके सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों का खास स्थान होगा। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग में लालच का सहारा लें और अपनी नजरों को हमेशा अपने लक्ष्य पर रखें। आज दिन की शुरुआत बहुत ही सुखद होने वाली है। घर के किसी विवाह योग्य सदस्य के लिए उचित प्रस्ताव आएगा। आपको अपने किसी राजनीतिक संपर्क द्वारा फायदा हो सकता है। आप अपने पारिवारिक तथा व्यावसायिक दायित्वों के बीच उचित तालमेल बनाकर रखेंगे। काम पूरा होने में अपेक्षा से अधिक समय लगेगा जो थोड़ी यात्रा में तनाव निर्माण कर सकता है। परिवार से जो लोग दूर रहते हैं उन्हें थोड़ा अकेलापन महसूस होगा। आज के दिन काम की गति धीमी रहेगी, साथ में अनेक काम में रुकावट भी महसूस हो सकती है। परिस्थिति के अनुसार थोड़ा लचीलापन बनाकर रखना जरूरी होगा। मन को प्रसन्नता देने वाली बातों पर आज ध्यान देना, ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखने की कोशिश करें। काम संबंधित किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले काम की जानकारी पूरी तरह से प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। पार्टनर और आपको खुलकर एक दूसरे की भावनाओं संबंधी चर्चा करने की आवश्यकता होगी। सावधानियां, कोई भी महत्वपूर्ण काम करने से पहले संबंधित योजनाओं पर दोबारा सोच विचार अवश्य करें। जरा से चूक आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। घर की व्यवस्था को उचित रखने के लिए सबको अनुशासित रखना अति आवश्यक है। बात करते हैं लव लाइफ की। अविवाहितों के लिए कोई खुशखबरी मिलने की संभावना है। पारिवारिक वातावरण बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई नया रिश्ता चाहते हैं तो यह समय आपके लिए चमत्कारों भरा है, क्योंकि आपके सितारों के अनुसार जल्दी ही आपके विवाह की संभावना है। आपने जो भी भविष्य के सपने देखे हैं वो जरूर सच होंगे। पारिवारिक संघर्ष या कानूनी मुद्दे आज कष्टदायक हो सकते हैं। अपने पिछले संबंधों को भूलकर भविष्य की ओर बढ़ें। भूतकाल में रहने से अच्छा है भविष्य में जीना, एक उज्ज्वल रोशनी की तरह है और आप दोनों साथ में सुनहरे छड़ों को साथ में गुजार रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे की कंपनी का मजा लेंगे, बस अपने बीच में अपने अहंकार को ना आने दें। बात करते हैं करियर की। आज आपके प्रयास, अनुभव और योजनाएं आपको अलग पहचान दिला सकती हैं। आप अपने पार्टनर और बॉस से बातचीत करने की हर कोशिश करेंगे और उन्हें अपने सूझबूझ से प्रभावित करेंगे। कानूनी समझौते ट्राई अब भी इस समय फायदेमंद साबित होंगे। यह दिन नई ऊर्जा और स्टाइल को ट्राई करने का है। आपके साथी और बुजुर्ग आपके साथ है क्योंकि वो आपको सफलता देते हुए देखना चाहती हैं, क्योंकि वह आपको सफल होते हुए देखना चाहते हैं। समय का यह चरण आपके जीवन में आने वाली बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। याद रखें, सफलता उपलब्धियों तक जाने वाली मार्ग का एक हिस्सा है, इसे भी स्वीकार करें। व्यवसाय में स्थिति आज सामान्य ही रहेगी। मीडिया, आर्ट पब्लिकेशन आदि जैसे कार्यों में बेहतरीन सफलता मिलेगी। घरेलू परेशानियों को
व्यापार पर हावी न होनी दी। अपने कार्यों को पूरी तमन्ना से करना आपके लिए और उपलब्धियां लाएगा। बात करते हैं सेहत की। इस मौसम का नकारात्मक प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। इस समय अपनी सेहत को सुधारने के लिए सभी नियमों का पालन करना होगा। आज का उपाय, आज आप भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।